खबर से करेंगे। रानीखेत के जंगल में आग लगने की खबर है। चौबटिया इलाके के जंगल में आग लगने की सूचना मिल रही है, जहां झूला देवी से चौबटिया मुख्य मार्ग के पास आग लगी है। वन विभाग के कर्मचारी मौके से नदारद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चौबटिया इलाके के जंगल में आग लगी है। रानीखेत के जंगल में आग की ये तस्वीरें, जहां झूला देवी से चौबटिया मुख्य मार्ग के पास ये आग लगी है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी मौके से नदारद हैं। अभी तक वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, आग बुझाने के अभी प्रयास शुरू नहीं हुए हैं। चौबटिया इलाके के जंगल में आग लगने की ये तस्वीरें। और अब खबर मसूरी से, जहां अंबेडकर चौक पर बैरियर लगाने का विरोध किया गया। सभासद, स्थानीय लोग और रिक्शा चालकों ने इसका विरोध किया है। लोगों ने अथॉरिटी के अधिकारियों का घेराव भी किया। पालिका अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया गया है। अंबेडकर चौक पर बैरियर लगाने का विरोध किया गया सभासद, स्थानीय लोग और रिक्शा चालकों के द्वारा। रात हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल को लेकर सीएम धामी का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिणाम इससे कहीं बेहतर होंगे और भाजपा के पक्ष में होंगे। जितने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। पढ़ेंगे आगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब जल्द ही शिक्षा विभाग उन स्कूलों में गेस्ट टीचर भेजने जा रहा है। एलटी भर्ती की प्रक्रिया भी समय पर पूरी न होने से उन स्कूलों को शिक्षक समय पर नहीं मिल पाए थे। अब हमने सीयूस से कहा है कि जहां जहां पर गेस्ट टीचर कुछ प्रभावित हुए हैं, तो उन गेस्ट टीचर को जो है इन विद्यालयों में जहां पर की रिक्तियां हैं वहां पर गेस्ट टीचर नियुक्त किए जाएं। और बहुत सारे गेस्ट टीचरों को हमने परमिशन दी हुई है मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, लेकिन उसके अलावा अगर गेस्ट टीचर भी नहीं होंगे तो मेरा समुदाय से ये अनुरोध रहेगा, पीटीए से अनुरोध रहेगा कि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टिगत अगर कहीं पर शिक्षकों की भारी कमी हो रही है तो वो। और एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से भी, जहां पत्थरबाजी की घटना से जुड़ी हुई एक खबर मिल रही है कि नेपाल के साथ अब सैद्धांतिक सहमति बन गई है। ये बड़ी जानकारी पिथौरागढ़ के अधिकारियों के नेपाल के अधिकारी से बातचीत की खबर है। तटबंध के निर्माण में नेपाल से आपत्ति नहीं होगी, पत्थरबाजी करने वालों पर नेपाल प्रशासन कार्रवाई करेगा। अधिकारियों के बीच ये वार्ता हुई है, जिसके बाद सैद्धांतिक सहमति बनने की ये खबर। धारचूला में हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तटबंध बनाया जा रहा है, तो उसमें परसों कुछ नेपाल की तरफ से पथराव किए गए थे। इस वजह से हमारे साइड कुछ मजदूर भी घायल हुए थे, मशीनों को भी नुकसान पहुंचा था। इसको लेकर हम लोगों ने वहां पर नेपाल के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ वार्ता की गई है, तो सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो इस तरह की हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया गया है वहां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।